नमस्कार, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है मासिक राशिफल की इस श्रृंखला में। आज हम मीन राशि, अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बताएंगे। मीन राशि वालों, आपके लिए भी अच्छा समय ही है, और क्योंकि यह देखा जा रहा है कि जो ग्रह गोचरी स्थिति है धनु राशि वालों के लिए भी अच्छी है और मीन राशि वालों के लिए भी अच्छी रहेगी। तो लेकिन अभी जो केतु का प्रभाव चल रहा था 23 सितंबर तक कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा करियर और वित्तीय मामले में आप उलझे हुए थे, 23 सितंबर के बाद जो है ये अंतिम सप्ताह जो सितंबर का है सारे कष्टों के आपको खत्म करने आया है, और आपकी भाग्य स्वामी मंगल भी बड़ी अच्छी स्थिति में बने हुए हैं। तो ये मीन राशि के लिए कुल मिलाकर एक महीना जो है ये भाग्यशाली महीना, मतलब कष्टों को समाप्त करके अच्छा समय लाने वाला महीना है। 2 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक बुध भी उच्च राशि में रहने वाले हैं, तो आपके व्यवसाय और वित्तीय मामले में भी बड़ा अच्छा समय आपको रहने वाला है। मार्च 2020 से जो है मीन राशि के जातकों को परेशानियां काफी जो झेल रहे थे आप लोग मार्च के बाद से, तो वो सारी परेशानी इस माह में अंत आपके हो जाएगी। अब आप भ्रमित नहीं रहेंगे, अब आप निर्णय लेंगे और कार्य करेंगे। अभी तक जो लगता था कि व्यापार चलेगा, बंद होगा, क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, ये सारी स्थितियां आपकी जो हैं समाप्त होने वाली है। अब आप कड़ी मेहनत करेंगे, और अभी तक जो आप मेहनत भी कर रहे थे, दिमाग लड़ा रहे थे, तो कोई आपको भुगतान नहीं हो पा रहा था, तो अब आप जो मेहनत करने जा रहे हैं इसमें आपको अच्छे परिणाम, सकारात्मक परिणाम और लाभ देने वाले परिणाम दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। 23 सितंबर के बाद बहुत तेजी से शुरू होगा, अभी थोड़ा सा धीमा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं करियर के। आपके इस महीने से आपकी चीजें आपके पक्ष में बदलना शुरू है, हम जैसे पहले बता चुके हैं। क्योंकि आप लोग जो है मीन राशि बड़ा ईमानदार होते हैं और जिम्मेदारियों के साथ जो भी कार्य आपको मिलता है उसको करते हैं, इस वजह से आपकी जो चीजें हैं लोग नौकरी में आपके बॉस उस चीज को सराहेंगे, और आपको जो है जो भी वित्तीय संकट, अगर सैलरियां नहीं मिली है 2-3 दिन 4 महीनों से, अगर व्यापार चल रहा था तो कोई भुगतान नहीं हो पाया, माल भी चला गया, तो इस महीने आपकी ये सारी चीजें जो है समाप्त हो जाएंगी और आपको अच्छा खासा भुगतान भी प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में क्या होने वाला है इस महीने, वित्तीय मामलों में आप खुश रहने वाले, अच्छी कमाई करेंगे आप महीने के अंत में, लेकिन हमारे और उसके बाद लेकिन काफी खर्च का भी योग बन रहा है। तो हमारे सुझाव है कि अभी तक जो क्राइसिस आपने झेली फिर आप झेलना पड़े, तो जो पैसा आपको मिलना इसमें से काफी कुछ जो है जमा करें, और जो वित्तीय फिर से ऐसी स्थिति का निर्माण हो तो उसमें आप खर्च करें। ऐसा ना हो कि तेजी के साथ पाए और फिर खर्च कर दिया आपने। और पारिवारिक जीवन पे हम बात करते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन काम काज को लेकर के जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव उत्पन्न होने का योग बन रहा है, और ऐसा ही सेम सहकर्मियों के साथ भी होगा। तो हमारा सुझाव यह है कि ऐसा है कि जीवन साथी हो या साथ में जो है कार्य क्षेत्र में काम करने वाले सहकर्मी, उनके साथ एक नम्रता जो है, क्योंकि जब आप वित्तीय संकट में थे तो ये आपके साथ थे, अब आपकी स्थिति ठीक होने वाली है, तो आप अपने रवैये में बदलाव करें, जिसके कारण जो है उनको भी एहसास हो कि सुख और दुख के साथ ही वो लोग थे। अब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। इस महीने में जीवन साथी के संबंध जो है बस वहीं पे समस्या रहने वाली है, और वैवाहिक जीवन में बाकी तो चीजें ठीक रहने वाली हैं। तो अगर आप इस चीज को संभालते हैं तो कहीं भी कोई परिवार में दिक्कत नहीं होने वाली है। मीन राशि वालों, आपके लिए अगर जो विद्यार्थी लोग हैं, पूरे महीने आप जो है ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, और इस महीने कोई रिजल्ट आने की आवश्यकता, मतलब अगर आपके कोई रिजल्ट आ रहे हैं तो महीने के अंत में परिणाम उसमें अच्छे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप एकाग्रता से जो है इस महीने आपकी पढ़ाई होती रहे। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य, जहां देखें स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा सुंदर समय है इस महीने, आपको कोई विशेष बीमारी होने का योग दिखाई नहीं दे रहा है। तो और जो है इस महीने के विशेष प्रभाव को देखने के लिए आप गुरु ग्रह का जो है गुरुवार के दिन पुस्तक या ग्रंथ जैसे सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, इनका दान कर सकते हैं किसी पंडित को, किसी ज्ञानी को, किसी बुद्धिजीवी को, जो उस पुस्तक का प्रयोग करे और जो है लोगों को उस विद्या का दान करे, तो आपका विशेष ही कल्याण प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से अगले अंक में किसी दूसरे विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।